मैंने इतना स्कूल खोलेंगे, इतना स्कूल खोल दिया, लेकिन हमारा पीरियड में स्कूल ज़्यादा से भी हमने ज़्यादा को हमने शट डाउन कर दिया। अपना बच्चे लोग तो काफ़ी टैलेंट है, यूपीएससी में क्यों जा नहीं पा रहा है? मैंने कई सवाल का जवाब पूरा दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया, वो मेरी भूल थी। मैं बताऊंगा क्या पूछा था सर, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। मिस अरुणाचल को कोलाबरेट करके हम लोग उसमें रजिस्टर करके हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं 9th of February, लिटरेरी इवेंट, स्पोर्ट इवेंट, कल्चरल एवरीथिंग्स हम लोग यहाँ पे फोकस करके करते हैं। आप यूनिफेस्ट 2 साल में या 3 साल में 1 बार आता है। हमारा आरजीयू में मिस एंड मिस्टर आरजीयू इस साल हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू एटीटीवी न्यूज़ चैनल्स, दिस इज मिस्टर अरुण डेगा रिपोर्टिंग फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस। टुडे वी आर हियर एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर द इवेंट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ यूनिवर्सिटी फेस्टिवल 2024 विच इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, दैट इज 7th to 9th February। सो इन दिस रिगार्ड्स लेट्स हैव अ लिटिल कन्वर्सेशन विद द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर तगरुभाई अलॉन्ग विद जनरल सेक्रेटरी केगो रक्षम। In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in these UniFest events, respecting and abiding by the rules which govern them, in the true spirit for the glory of sports, culture, literature, and the honor of our houses. सर ने ऑनरेबल सीएम साहब सर ने मेरे पास बैठे बैठे 22 सवाल किए, 22 क्वेश्चंस वेयर रेज्ड। मैंने 21 सवाल का जवाब पूरा दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया, वो मेरी भूल थी। मैं बताऊंगा क्या पूछा था सर, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। सर ने मुझसे ये पूछा कि ये जो 4 हाउसेज हैं इनके नाम क्या है। मुझे सिर्फ एक नाम याद रहा, जो मिथुन और जो काले रंग की ड्रेस में था, और वो मुझे क्यों याद रहा, क्योंकि कल हुई ताक सामने रात में बोला कि सर मैंने मिथुन का हाउस तो सफेद रखा था, वो काला का हो गया, तो मुझे सिर्फ वो याद रहा। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, जीवन में ऐसे इम्तिहान से रूबरू, अभी आपका नेक होने वाला, मैंने अनुबुल सर को बताया, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपने सभी उन इम्तिहान की तैयारी करिए जिनके साथ आपको जानने की उम्मीद नहीं है या आपको सुनने की उम्मीद नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को हर फोरम में सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अपने यूनियन के बच्चों को बधाई दूंगा,
कि हालांकि ये कार्यक्रम हमारे कन्वोकेशन के ठीक चार दिन पहले प्लान था, लेकिन हमारे जैसा कि हमने और स्टार ने और एफओ ने सोचा कि अगर इसको हम कन्वोकेशन के पहले करेंगे तो चीजें बिगड़ने का अंदेशा है। फिर हमने सोचा कि सेशन में बच्चे लौट आएंगे तो एक नए माहौल में बच्चों की ऊर्जा फिर से संचार हो, इसलिए इस कार्यक्रम को आज हमने प्लान किया। सर ने हमसे ये भी पूछा तो सर को मैंने उन सारी बातों के जवाब दिए। ये कार्यक्रम सर ने मुझसे ये पूछा कि किस लिए होता है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द एनुअल इवेंट ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ये कार्यक्रम सिर्फ आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं होता है, यह कार्यक्रम इसलिए भी होता है कि हम अपने बच्चों से एक संवाद स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम इसलिए भी होता है कि हम बच्चों को मोटिवेट कर सके, आने वाली दुनिया में कैसे कदम रखना है इसके लिए भी मोटिवेट कर सके, क्योंकि ये हमारा यूजुअली सेकंड सेमेस्टर में कार्यक्रम होता है। प्रतिस्पर्धा जीवन में आवश्यक है, लेकिन इसकी तैयारी अगर हम समुचित तरीके से नहीं करते हैं तो कभी कभी हमें समुचित प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है, हमें आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से निवेदन होगा कि आप जिस भी कार्य को करने का प्रयास करें उसके लिए पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ सारी तैयारी करके आप आए। हमारे इस ऊर्जावान कैंपस में 44 डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने सर को यह बताया, और म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स वन ऑफ द परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं उस डिपार्टमेंट को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी इतनी ही ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यक्रम में भागीदारी करते रहिए और अच्छे मनोभाव के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल सीएम ऑफ अवर स्टेट श्री पेमा खांडू जी सर को प्रणाम करता हूं, उनके साथ आए हुए सभी ऊर्जावान एमएलए महोदय को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं वो एक ऑटोनोमस एक यूनिवर्सिटी होते हैं, उसमें राज्य सरकार का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, मगर हमने सोचा कि यहाँ अपना जो फर्स्ट लोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है राज्य का, और यहाँ पे मैक्सिमम जो भी पढ़ाई करते हैं अपने ही अरुणाचल के बच्चे लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, तो मैंने अपना एक जिम्मेदारी समझा कि इस यूनिवर्सिटी को हैंड होल्ड भी हमें करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो भी मदद यहाँ पे देने का जो कोशिश हुआ है वो पूरा हमने किया है, और आज भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आरजीयू स्टूडेंट्स यूनियन के तगरू भाई ने यहाँ पे कुछ मेमोरेंडम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स का मेमोरेंडम दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड मेडल इन द नेम ऑफ माय फादर इनफैक्ट लेट दोर्जी खंडू इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने अपना वीसी साहब को पूछा कि इसका कैसे किया जाता है, तो वीसी साहब ने बताया कि और भी डिपार्टमेंट्स में गोल्ड मेडल का इंस्टीट्यूशंस वो रखते हैं अलग अलग नाम से। तो मैंने कहा इट विल बी एन ऑनर फॉर माय फैमिली टू इंस्टीट्यूट दिस गोल्ड मेडल इन नेम ऑफ माय फादर लेट दोर्जी खंडू इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इसका प्रोसेस जो है मैं वीसी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्टार्ट कर देने के लिए। एंड सेकेंड जो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक along with boundary wall of RGU, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको मार्क कर दूंगा कि इसका DPR प्रेजेंटेशन करके सरकार को सबमिट करने के लिए। और तीसरा जो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ G+2 कैंटीन इन RGU, इसको भी मैं अपना कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको बोल दूंगा कि DPR प्रिपरेशन करने के लिए। और चौथा जो है कि प्रोवाइडिंग रोड मार्किंग वाइट स्ट्रिप मार्किंग इन द मेन रोड ऑफ RGU कैंपस, ये तो बहुत छोटा काम है, इसको तो तुरंत में हम बोल देंगे। तो 4 पॉइंट जो दिया हुआ है उसका पूरा हम आप सभी को वादा करते हैं जल्द से जल्द आप लोगों को हम डेडिकेट करेंगे। आज यहाँ पे जो 4 हाउस के जो बच्चे हैं, मिथुन हाउस, ऑर्किड हाउस, हॉर्नबिल हाउस और होलोंग हाउस, आप सभी का भी इस राज्य को और इस देश को आगे लेके जाने में आप सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। अभी जो आप लोगों का जो एज जो है, मैं अभी आपको देख के मैं खुद रियलाइज़ कर रहा था कि इस एज में अराउंड 25-27 ईयर्स बैक जो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो आपका ही उम्र का ही था हम लोग इस प्रकार का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। तो उसी प्रकार से अभी आप लोगों का जो एज है वो काफ़ी एक
एक एनर्जेटिक एक एज है और हमारा जो फ्यूचर है वो हम हमेशा बोलते हैं और हम सब जानते भी हैं, द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, आवर स्टेट एंड द नेशन। इसलिए आप लोगों का अभी आप लोगों का जो मंजिल जो है, यू शुड थिंक बिग। आप बड़े सोचोगे तो बड़ा काम कर पाएगा, तो छोटा सोचोगे तो फिर ज़्यादा बड़ा काम कर नहीं पाएगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध आप सभी से होगा, लाइफ में बड़ा सोचने का, लाइफ में छोटा नहीं सोचने का, लाइफ में थिंक बिग, अपना ड्रीम को हमेशा बड़ा रखो। अभी देखो ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी कितना चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली काफ़ी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने 25-27 साल का जो मैंने रेफरेंस दिया और यहाँ पे बहुत सीनियर्स लोग हैं हमारा फैकल्टी मेंबर्स में, उनका टाइम में तो अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ का कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल आज का जो अपॉर्चुनिटीज़ है और सर लोगों का जो उस वक्त में जो अपॉर्चुनिटीज़ था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज के दिन में देखिए टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो गया, तो आज आप बैठे बैठे अपने फ़ोन्स में, अपने जो भी अपना टैबलेट्स है, अपना लैपटॉप में पूरे अपने खुद आप सीख सकते हैं। गूगल को पूछिए, आज आप यूट्यूब को पूछिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो मेरा हम ये कहना चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी को आप लोग अच्छा दिशा में आप लोग यूज़ करना है, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। केंद्र से जो सपोर्ट मिला है पिछले 8-9 सालों में, हम लोग ने करीबन 50 डेडिकेटेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हम लोग ने सेटअप किया, जिसमें से 32 KGVBs को हम लोग ने हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ में अटैच किया हुआ है। 12 एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को हम लोग ने सेटअप का काम चल रहा है। 6 नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और 5 नया कॉलेजेस सिंस 2016 हम लोग ने शुरुआत किया है। और अभी राज्य का जो पहला यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, तो अपना स्टेट का पास में स्टेट ओन यूनिवर्सिटी नहीं रहा, तो स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी हम लोग पासीघाट से हम लोग ने शुरुआत लास्ट ईयर ही हम लोग ने कर दिया है। एजुकेशन को मैंने और भी आगे लेके जाने के लिए अभी बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने लेके आया है, और सुन के बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को कि जब भी कोई पॉलिटिशियंस आता है या कोई मुख्यमंत्री खास करके आता है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोग सुनाई देगा या फिल्मों में भी आप लोग सुनेंगे कि मैंने इतना स्कूल खोलेंगे, इतना स्कूल खोल दिया, लेकिन हमारा पीरियड में स्कूल ज़्यादा से भी हमने ज़्यादा को हमने शट डाउन कर दिया, मोर देन 600 स्कूल्स को हमने बंद करा दिया। इसलिए मैं बोला सुनने में थोड़ा आप लोगों को अजीब लगेंगे, मगर कुछ कुछ चीज़ रिफॉर्म्स जो होता है वो भविष्य के लिए अच्छा के लिए ही होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि जितने भी जो ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स जो है पोस्टेड है लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, इन सारा स्कूल्स को मैपिंग करके राज्य में पूरा को बंद करने के लिए और एजुकेशन का क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मर्जर ऑफ स्कूल्स को भी हमने प्रपोज करके अभी वो सब भी काम जारी है। कुल मिला के मोर देन 600 स्कूल्स को हमने शट डाउन कराया। ये भविष्य में जो है इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। और भी अभी 24 अभी इलेक्शंस आने वाला है, इलेक्शंस के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दोबारा फिर रोल आउट करने के लिए हम सीरीज ऑफ मीटिंग लेंगे। इसमें भी मेरा ये एक एजेंडा होगा कि हम लोगों का अभी गांव में बड़ा गांव है तो 3-4 स्कूल्स का ज़रूरत नहीं है, वहां में एक ही स्कूल रखिए, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छा दीजिए, टीचर्स लोगों को वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग कीजिए, नंबर्स बढ़ाइए, बच्चों का संख्या भी बढ़ेगा, टीचर्स का संख्या भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए भी ज़्यादा सुविधा होगा और बच्चों के बीच में कंपटीशन का माहौल ये बहुत अच्छा होगा। तो भविष्य में मैं और भी अपना यहाँ स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स को और भी कम करने वाला हूँ, प्रोवाइडेड विथ अपना जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को देते हुए। और साथ साथ एक इंफॉर्मेशन का रूप में ये भी हम बताना चाहेगा अपना यहाँ का प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, आई थिंक वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो पहला क्या होता था अरुणाचल में कि हमारा यूपीएससी में बहुत कम बच्चे लोग निकलता था अपना प्रदेश से, तो मैं सोचा कि अपना बच्चे लोग तो काफ़ी टैलेंट है, यूपीएससी में क्यों जा नहीं पा रहा है। तो बाद में हमको ब्रीफ कराया कि अपना APCS का जो पैटर्न है और UPSC का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एकदम बिल्कुल अलग है। अगर आपको UPSC एग्ज़ाम देना है तो UPSC के लिए अलग से एक कोचिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, APCS के लिए देना है तो आपको अलग से उसको कोचिंग करना पड़ता है।
इसलिए हमारे बच्चे लोग ज़्यादातर APCS में ऑफ करके यही कंपटीशन करके रह गया। UPSC में बहुत कम लोग ट्राई करते थे, तो मैंने कहा कि इसको पूरा एडलाइन विद UPSC करने के लिए CSAT सिस्टम जो है उसको लागू करने के लिए हमने आज से 4-5 साल पहले ही हमने वहाँ पे निर्देश दे दिया था। तो अकॉर्डिंगली अभी CSAT सिस्टम होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल के बच्चे अभी उन्हें रेगुलर बेसिस IAS, IPS, IFS, IRS सभी क्षेत्र में हम लोगों को UPSC में भी हम लोगों को जगह मिल रहा है। इस बार हम लोग आफ्टर 4 ईयर्स हम लोग अपना यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फेस्टिवल को कंडक्ट करने जा रहा है एंड आज हमारे इनॉग्रेशन हो चुका है एंड आफ्टर 4 ईयर्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है तो स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत ज़्यादा रहा। और हम लोग ये फेस्टिवल को क्यों मनाता है बोलने से इट्स हम लोग यहाँ पे इट्स ए मिनी अरुणाचल, यहाँ पे कोने कोने से एवरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना अपना ट्राइब अपना अपना टैलेंट अपना अपना शोकेस करते हैं, अपना जितना ट्राइब का हम लोग शोकेस करते हैं एंड लिटरेरी इवेंट, स्पोर्ट इवेंट, कल्चरल एवरी थिंग्स हम लोग यहाँ पे फोकस करके करते हैं, अपना कैरेक्टर बिल्ड्स, अपना इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड आर्टिस्ट शो एवरी थिंग्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एंड हम यहाँ पे शो करते हैं, अपना टैलेंट को यहाँ पे हम लोग रिवील आउट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में श्री पेमा खांडू जी ने आके आज हमारे ओपनिंग कर दिया है एंड लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाहर से भी आए हैं, विद इन हम लोग के कैपिटल रीजन से भी इतना ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए एंड थैंक्स ये न्यूज़ का माध्यम से आप सभी को मैं जितना व्यूअर है आप सभी को मैं अपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस में आप लोग को वेलकम करता हूँ। आप लोग काइंडली यहाँ पे आके हमारे पार्टिसिपेंट को भी एंकरेज कीजिए एंड आप लोग भी ये फेस्टिवल का एंजॉयमेंट कीजिए। हम लोग का यहाँ में 3 दिन और 3 रात का हम लोग का इवेंट होगा, दिन में हम लोग का लिटरेरी एंड स्पोर्ट इवेंट किया जाएंगे और नाइट को जो हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम होगा इसमें आर्टिस्ट हम लोग का यहाँ में फाइन आर्ट्स के आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे मिस्टर एंड मिस आर्जू का ये बार हम लोग ने मिस अरुणाचल को कोलाबरेट करके हम लोग उसमें रजिस्टर करके हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। 9th of February शाम को शुरू होंगे, तो काइंडली आप लोग भी विटनेस कीजिए हम लोग का टैलेंटेड हम लोग के स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को हम लोग को सपोर्ट कीजिए, गियर अप कर दीजिए आप लोग की तरफ से। आज 7 February से हमारा RGU में यूनिफेस्ट का आरंभ हो चुका है। आज इनॉग्रल पंचन हो चुका है, हमारा स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी आके यूनिफेस्ट को इनॉग्रेट करके चले गए हैं और हमारा यूनिफेस्ट जो है बहुत साल के बाद हम कंडक्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लास्ट 2019 में लास्ट यूनिफेस्ट सेलिब्रेशन किया गया था और आफ्टर 4 ईयर्स हमारा RGSU के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें इस साल जैसे भी करके RGSU का बैनर पे या RGU में हम लोग यूनिवर्सिटी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग ने शुरू किया 7 तारीख से, आज से शुरू किया और इसमें हमारा वेरियस इवेंट्स होंगे जैसे कि कल्चरल इवेंट्स में ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, द्वित डांस वो कुछ इवेंट्स होंगे और हमारे लिटरेरी इवेंट्स होंगे जहां में स्टम्पर स्पीच, ऐसे राइटिंग बहुत सारा इवेंट्स है जो लिटरेरी इवेंट्स के अंदर आता है। और सबसे बड़ा हमारा यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट सबसे कास्ट है यहाँ में, जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल और बैडमिंटन और हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होंगे। तो और एक सबसे इस साल का सबसे कास्ट बात यह है कि हमारा RGU में मिस एंड मिस्टर RGU इस साल हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उससे। और ये बात RGU में पहली बार होगा कि हम लोग ने अपना यूनियन के तरफ से मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ने कोलैबोरेट करके इस बार हम लोग RGU में मिस RGU मिस्टर RGU कंडक्ट कर रहे हैं। और
हमारा यहाँ का जितना भी पार्टिसिपेंट्स में से हम लोग बेस्ट 3 को हम लोग चुन के मिस अरुणाचल के लिए नॉमिनेट करेंगे। और लास्टली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आरजीयू के और जितने भी हमारे एटीडीपी के माध्यम से जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सब से अपील करना चाहूँगा, आप सब आइए, हमारे यूनिपेस्ट का मज़ा लीजिए। और जितने आरजीयू के स्टूडेंट्स के लिए आप सब से अपील है कि आप सब एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि यूनिफेस्ट 2 साल में या 3 साल में एक बार आता है। तो आप सब खुद को लकी महसूस, लकी फील करना है कि आज का दिन में यूनिफेस्ट जब हो रहा है, आप एक आपका एकेडमिक ईयर, आपका एकेडमिक सीजन यहाँ में चल रहा है। इसलिए आप सब से लास्टली अपील है, प्लीज़ आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आपका टैलेंट दिखाइए और आपका कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।